रजनी चौहान का प्रश्न है, सर मैंने ओशो जेन टैरो जेन कार्ड्स क्लास स्टार्ट की है, मुझे उनका मीनिंग समझ आता है बट मैं उन्हें इंटरप्रेट नहीं कर पा रही हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर पाती। मैं उनके बारे में पढ़ भी काफ़ी रही हूँ, आपकी क्लासेस भी देखी हैं, भी देखती हूँ। रजनी, जो थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज़ समझने की बात है, दो तरह के कहीं ना कहीं जो मेन जो डिवीजन है टैरो की, वो दो तरह के आप कार्ड्स में आप जो है डिवाइड कर सकते हो। एक तो है आपका राइडर वेट टैरो, सारा का सारा जो टैरो है जितना भी आप मार्केट में देखते हो वो सारा कुछ इसके ऊपर बेस्ड है, राइडर वेट टैरो के ऊपर बेस्ड है 99.9%। फिर दूसरे किस्म का जो है, जो इस जिसको हम ओशो जेन कहते हैं, ओशो जेन टैरो जो है वो आपका सिंपली एक तरह के स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं, एक स्पिरिचुअल मैसेजेस हैं, उसमें ओशो के अध्यात्म की जो है कहीं ना कहीं बात की गई है। उसको आपने रिलेट तो कर दिया, उसको आपने जोड़ तो दिया उसके साथ कहीं ना कहीं, ये इसके राइडर वेट के साथ, क्योंकि जो कार्ड्स बने हैं ओशो जेन के वो भी इन कंपैरिजन टू राइडर वेट ही बने हुए हैं। लेकिन ओशो जेन जो है उसके अंदर जो है वो डिटेलिंग मिसिंग है जो राइडर वेट के अंदर है। राइडर वेट के अंदर आपको बड़ा गहरे जो है सीक्रेट्स जो हैं आपको उस उन कार्ड्स के अंदर छुपे हुए हैं। उसके अंदर आपको कबाला के सीक्रेट्स हैं, लाइफ के सीक्रेट्स हैं, उसके अंदर आपको जो है आपको न्यूमरोलॉजी है, उसमें जो है कलर्स के भी जो है फैक्टर्स हैं, उसमें जो सिम्बोलिज्म जो यूज़ हुआ है एक एक चीज़ उसमें बहुत गहराई से। तो वो जो कार्ड्स जो डेवलप हुए हैं वो सिंपली जो है ऐसा नहीं कि किसी ने जो है जैसे ओशो जेन बना दिया, ओशो जेन बहुत प्लान्ड कार्ड्स हैं, उसके बारे में अभी मैं बताऊंगा वो क्या चीज़ है। लेकिन राइडर वेट जो है वो कहीं ना कहीं वो एक व्यक्ति जो है वो कार्ड्स कुछ ऐसे डेवलप हुए कि एक व्यक्ति जो है सपना लेता था उन चीज़ों के बारे में, फिर उसको नेक्स्ट डे जो है किसी दूसरे की मदद से जो है उसको पेंट करवाता था। इस तरह से जो है वो कार्ड्स जो है डेवलप हुए। और ऑफ कोर्स थोड़ा सा आपको और पता होना चाहिए कि इसकी जो फाउंडेशन है वो है नॉर्मल प्लेइंग कार्ड से, जो है ये राइडर वेट टैरो कार्ड्स बने। जो शुरुआत हुई थी टैरो की, जो जिप्सीज ने जो टैरो जो शुरुआत करी थी, वो शुरुआत करी थी नॉर्मल प्लेइंग कार्ड से, जो आप प्लेइंग कार्ड्स जो यूज करते हो ना, जिसमें इक्का और हुक्म का और ये सब जो नॉर्मल जो कार्ड्स होते हैं उसी के ऊपर बेस जो है ये वाले कार्ड्स जो है डेवलप हुए राइडर वेट के। तो लोग उसको भी यूज करते थे प्रिडिक्शन के लिए, लेकिन फिर जब राइडर वेट आया तो बहुत क्लैरिटी के साथ जो है चीजें साफ हो गई कि चीजें क्या हैं। जब आप राइडर वेट यूज करते हो तब तो आपको बहुत डिटेलिंग मिलती है, लेकिन जब हम ओशो जेन को यूज करते हैं वो उसको आप मान के चलो कि वो स्पिरिचुअल मैसेजेस हैं, वो गुरु का उसमें संदेश है। उसको आप जो है प्रिडिक्शंस के लिए यूज करोगे तो वो उसमें इतने कारगर नहीं है। अगर हमने जो है एक्चुअली में किसी की प्रॉपर रीडिंग करनी है तो उनके लिए जो बेस्ट जो एक ऑप्शन रहेगा वो है ओशो जेन का नहीं होगा, वो होगा राइडर वेट का। तो रजनी, मेरे लिए मेरी तरफ से आपको सजेशन ये है कि ओशो जेन के कार्ड्स जो हैं आप स्पिरिचुअल मैसेजेस के लिए यूज़ करो, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए यूज़ करो। आपने किसी को जो है स्पिरिचुअल मैसेजेस देने हैं जब अपने अपने क्लाइंट को या अपने जब आप किसी के लिए रीडिंग कर रहे हो तो उसको वहाँ यूज़ करो। और जनरली जो है आप नॉर्मली जो है वो राइडर वेट कार्ड यूज़ करो, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत कुछ पता चलता है, बहुत डिटेलिंग पता चलती है। ठीक है रजनी।